मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष पूर्व विधायक जीतू जिराती ने मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। जिराती ने कहा कि शुरू में लग रहा था कि कांग्रेस फाइट में है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने मतदान की तारीख तक बीजेपी की सरकार बनना तय कर दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के बीच में भैया कितनी उम्मीद है और कितना उत्साह है आपको? देखिए जबरदस्त उत्साह है। अभी मैंने जो पता किया तो पूरी विधानसभा में बहुत उत्साह के साथ में लोग मतदान कर रहे हैं। पर्व की तरह इस लोकतंत्र के इस महाअभियान को सब लोगों ने हाथों हाथ लिया। निश्चित रूप से जिस तरह से मध्य प्रदेश की जनहितकारी नीतियां हैं, जिस तरह से राष्ट्र के सेतु के हेतु के रूप में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, इसलिए मतदान का जबरदस्त उत्साह लोगों में है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से फिर से बनने वाली है। बात की जाए प्रदेश की तो प्रदेश की पूरी स्थिति क्या है, आप लोगों से जानकारी भी ले रहे हैं क्योंकि आप प्रभारी भी हैं उज्जैन के भी इंदौर के भी, क्या वहाँ की क्या स्थिति है? देखिए सब जगह से, क्योंकि लगातार हम लोग मिनट टू मिनट पिछले कई दिनों से 100% चुनाव के अभियान में लगे हुए थे, तो जहाँ देखो वहाँ मध्य प्रदेश में चाहे विंध्य हो, चाहे चंबल हो, चाहे मालवा हो, चाहे निमाड़ हो, अप्रत्याशित से परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाले हैं। शुरू में ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस दिख रही है, लेकिन जब हमने देखा और अंत तक हम पहुंचे तो कांग्रेस कहीं पर कुछ नहीं है। कुछ लोग ज़रूर हैं कुछ सीटों पर जहाँ पर कांग्रेस ताकत लगा रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। देखिए सरकार की नीतियां, चाहे किसान हो, अब किसान के लिए MSP गेहूं का जो है वो 2700 रुपये कर दिया, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। सम्मान निधि के रूप में चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, किसान के खाते में सीधा पैसा जा रहा है। सीखो कमाओ योजना के माध्यम से नौजवान कहीं पर भी बेरोजगार नहीं है। रेहड़ी पटरी ठेले लगाने वालों को 10,000 रुपये तक का, उसके बाद अगर वो भर देते तो 20,000 रुपये तक का लोन देने का काम बिना ब्याज के सरकार अपने पास से भर रही है। लाडली बहनाओं ने चमत्कार कर दिया है। आप बताइए जो काम सगा भाई नहीं कर सकता वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं की मार्मिकता को समझने का प्रयास किया। तो जितनी प्रदेश की महिलाएं हैं वो निश्चित रूप से अपने उस भाई के साथ जाएगी जिसने उनके जीवन को बदलने का काम किया है। तो ऐसे कई सारे कारण हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस है जो पूरी तरह से विकास की जगह विनाश का काम करती है, तुष्टिकरण की राजनीति करती है, देश को बांटने के काम करती है, समाज को तोड़ने का काम करती है, और चुनाव के वक्त ही ये लोग बाहर निकल के आते हैं। भारतीय जनता पार्टी सतत प्रयास करके विकास की ओर चलने वाला दल है, इसलिए भाजपा के साथ लोग जाएंगे। तो ये बात की जाए किसानों की, किसान बाहुल क्षेत्र है, राव विधानसभा भी कहीं ना कहीं ग्रामीण विधानसभा में गिनती में आती है, किसानों के भी रबी की फसल का भी सीजन चल रहा है, किस प्रकार का उत्साह नजर आ रहा है किसानों को? देखिए ना, आप देखिए चाहे कहीं पर भी जाएंगे ना, आप जब परिणाम निकल के आएंगे तब आपको ये लगेगा कि निश्चित रूप से मतदाता साइलेंट था। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण बनते हैं के एकदम खुलकर नहीं बोल पाते हैं, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को ही करेगा, किसान भी करेगा, क्योंकि किसान भी इंसान है, महिला भी इंसान है, नौजवान भी इंसान है, और उसको सब कुछ दिखाई देता है। देश हित में, राष्ट्र हित में क्या बेहतर हो सकता है, ये सबको दिखाई सुनाई पड़ता है। एक तरफ एक प्रचंड सा बहुमत, एक प्रचंड सी ताकत, एक प्रचंड सा नेतृत्व है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, और दूसरी तरफ 0-0 सन्नाटा है। तो निश्चित रूप से दुनिया जिसके पीछे चल रही है वो नरेंद्र मोदी और भारत है, तो निश्चित रूप से भारत की जनता और मध्य प्रदेश के लोग तो उनके पीछे जाना ही। प्रदेश में कितनी सीटों का दावा करते हैं? देखिए दावा करना अहंकार का प्रतीक होता है। विनम्र निवेदन और अपील के साथ में हम जनता के बीच में गए हैं और जनता से आग्रह करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हो, एक एक चीज़ों को उनको बताया और समझाया गया, तो निश्चित रूप से एक अच्छा बहुमत लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत बधाई। तो ये थे हमारे साथ में जीतू जिराती जी, जिन्होंने कहा है कि दावा करना एक अहंकार का प्रतीक होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों के साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। राकेश राठौर, MP News।